तो अभी हम आ गए हैं IGMS। ठीक, हम IGMS के गेट के सामने हैं और मैं यहाँ का आपको दिखाती हूँ बाहर का जो सीन है। और ये IGMS का मेन गेट है और यहाँ से आप इन करेंगे। IGMS में जैसे ही आप इन करते हैं और चलते जाते हैं सीधे, तो आपको बहुत सारी भीड़ यहाँ दिखाई देगी। और यहाँ पर लेफ्ट राइट के आने जाने के लिए आपको रास्ते दिखाई देंगे। ये पार्किंग स्पेस है, यहाँ पे बाइक पार्किंग आप खड़ी कर सकते हैं। चोरी होने का भी डर रहता है क्योंकि यहाँ पे गार्ड्स खड़े रहते हैं। तो चलिए हम अपनी स्कूटी यहाँ पार्क कर लेते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं दवाई काउंटर पे। यहाँ पे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत जो कम दाम में भी दवाई उपलब्ध हो जाती है, तो यहाँ पे इसके काउंटर हैं, देख सकते हैं आप। तो आप सरकारी और प्राइवेट दोनों काउंटर हैं यहाँ पे, तो आप अपनी यहाँ से दवाई खरीद सकते हैं। आप अगर पहली बार आए हुए हैं तो सबसे पहले आपको आना होगा OPD में, ठीक है। यहीं पर आपको सारे डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। ये है टीकाकरण केंद्र जो सामने आप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बच्चों के टीकाकरण भी होते हैं। ये OPD का मेन गेट हुआ। आप जैसे ही यहाँ से इन करते हैं, गेट के पास ही आपको, आप यहाँ से किसी भी तरह की पूछताछ कर सकते हैं। यहाँ आपकी बिलिंग काउंटर है, हर तरह की बिलिंग, चाहे ऑपरेशन से रिलेटेड हो, ब्लड जांच से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की पैसे का लेन देन, मतलब जो जमा होता है वो इसी काउंटर पे होता है। 8-10 काउंटर है, महिला की काउंटर यहाँ पर अलग बनी हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। आज मंगलवार का दिन है। तो चलिए अब हम चलते हैं। आप मेरे जो बाईं ओर देख रहे हैं येलो कलर की जो ग्रिल लगी हुई, यहाँ पे जेंट्स की लाइन लगती है। जिन जेंट्स को, पुरुष को नई पर्ची, नया रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उनकी लाइन यहाँ लगती है। एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता दें कि बिलिंग काउंटर को ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है, आप वहाँ पर कैश आपको डिपोजिट करने होंगे, अदरवाइज कार्ड से होते हैं। तो यहाँ पे ATM की भी सुविधा है। ये देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। जिन महिलाओं को जानकारी नहीं होता कि महिला काउंटर बने हुए हैं, वो यहाँ पे लाइन लगा के, मैंने आपको पहले बता दिया है कि महिला काउंटर धर्मशाला के जस्ट बगल में है। जो भी महिला है वहाँ जाकर आप नया पर्ची, नया रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये पुरुष विभाग के लिए, पुरुष लोगों के लिए है। तो आप मेरे सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे आपको ब्लड जांच देनी है। ये देखिए राइट साइड में यहाँ पे टोकन करती है, और ठीक मेरे सामने जो ब्लू कलर का आप यहाँ देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पे आपको जगह जगह पे ATM भी मिल जाएंगे। डिपार्टमेंट आपका गेस्ट्रोलॉजी, गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी से रिलेटेड, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। आपको जल्दी सुबह आना होगा, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे ही आप यहाँ पे लाइन लगा दीजिए। लाइन नंबर लगानी होती है और उसके बाद ही नंबर से यहाँ जांच होती है। यूरोलॉजी आप देखते हैं, यहीं पर सारा काउंटर आपको मिलेगा। यानी कि पेट से रिलेटेड, आँख से रिलेटेड जो भी बीमारी होगी, उसकी इलाज उसके जो डिपार्टमेंट है वो यहीं पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर पहले अक्सर भीड़ हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा क्राउड हुआ करता था, लेकिन जब से एम्स बना है, पटना एम्स बना है, यहाँ की आधी संख्या तो घट गई, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे भीड़ रहती है। लेकिन कुछ हद तक तो भीड़ कम हुई है, नहीं तो जब एम्स नहीं बना हुआ था तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था जाँच करवाने के लिए। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं जहाँ पर इंदिरा गांधी का स्टैचू है। यहाँ पर स्कूल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, मेडिकल कॉलेज है। यही वो स्टैचू है, इंदिरा गांधी स्टैचू। इन्होंने ही ये हॉस्पिटल बनवाया था। इंदिरा गांधी स्टैचू आप सामने देख सकते हैं। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे नए मरीज भर्ती होते हैं। सबसे पहले जब आप यहाँ पे जाइएगा
तो आपको एक पुर्जा कटवाना होता है, और पुर्जा कटवाने के लिए आईजीएमएस में बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। लेडीज़ के लिए अलग से काउंटर बने हुए हैं। ये काउंटर आपको जो आईजीएमएस का धर्मशाला है, जैसे ही आप मेन गेट से इन करते हैं और ठीक 50-60 कदम के बाद आपके दाहिने साइड धर्मशाला है, और इस धर्मशाला में आप ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। इसमें आप 300 रुपये से रूम बुक होती है। ठीक धर्मशाला के बगल में लेडीज़ के लिए बेनिफिट है, लेडीज़ की लाइनें यहाँ लगती हैं, महिला काउंटर है, और डायरेक्ट महिला जाकर यहाँ पे पर्ची कटवा सकती हैं, और पर्ची बनवाने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सिर्फ 50 रुपये यहाँ पे चार्ज है। जहाँ तक की बात करें, और इसी महिला काउंटर में धर्मशाला के बगल वाले में जहाँ काउंटर है, ठीक इसी के बगल में, महिला काउंटर के बगल में ही आपको जो भी आपके ब्लड जाँच होंगे, एक्सरे होंगे, सिटी स्कैन होंगे, उन सभी के रिपोर्ट्स आपको ठीक इसके बगल में ही मिलेंगे। तो अगर आपको रिपोर्ट लेनी है तो आपको धर्मशाला के बगल में ही आना होगा। और इसके बाद जब महिला काउंटर से आप पर्ची कटवा लेते हैं, महिलाएं, खासकर महिलाओं के लिए ये बनाया गया है, ठीक इसके बाद आप जिस विभाग में आपको जाना है, जिस विभाग के लिए आपने पर्ची बनवाई है, वहाँ पे जाकर आप जाँच करवा सकते हैं। और जाँच करवाने के लिए पहले आपको वहाँ के काउंटर पर नंबर लगाने होंगे, वहाँ से आपको डेट लेनी होगी कि किस तारीख में आपको जाँच करानी है। इसके बाद जैसे हम आते हैं ओपीडी की तरफ, ओपीडी में आपको जैसे ही आप इन करोगे, नया पर्ची अपने जो बुकलेट एक मिलती है किताब की तरह, उसका जो प्राइस है पर्ची कटवाने का वो है 50 रुपये। 50 रुपये में आपको एक बुकलेट मिलती है, वो बुकलेट लेकर आप उस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। जहाँ तक की बात करें सर्जरी से रिलेटेड है, जो भी अगर आपको दिखाने होंगे सर्जरी से रिलेटेड, तो पहले आपको जनरल फिजिशियन से मिलना होगा। जनरल फिजिशियन के लिए आपको अलग ही डिपार्टमेंट है। आईजीएमएस का जो मेन गेट है, ठीक आपको स्ट्रेट जाना है 1 किलोमीटर, ठीक स्ट्रेट जाकर जो बिल्डिंग आपको दिखाई देगी धर्मशाला में, उसी के बाईं ओर काउंटर मिलेंगे आपको, जो मैं आपको यहाँ पे फोटो आपको देख रहे हैं, इसी में आपको लाइन लगानी है। और लाइन लगवाने के लिए नया पर्ची बनवाना है, नया रजिस्ट्रेशन कराना है, तो बेहतर होगा कि आप 6 बजे चले जाएँ, हॉस्पिटल पहुँच जाएँ और अपने नंबर लगवा लें। अगर आप 6 बजे जाते हैं, 6 बजे दिखाते हैं, तो आपकी जो जाँच है वो 9 बजे और 9 से 11:30 के बीच आपके जाँच हो जाएंगे। कहने का मतलब कि आप एक दिन में भी जाकर लाइन लगाकर जाँच करा सकते हैं, एक दिन में भी जाँच हो जाती है पूरी तरह से। लेकिन हाँ, यहाँ आने के लिए आपको पूरी तरह से तैयार होकर आना होगा। समय तो लगता ही है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसके लिए पहले वहाँ उस विभाग के काउंटर पे जाकर तारीख लेनी होगी, नंबर लेनी होगी, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें कि जिस विभाग में आपको दिखाना है, हर विभाग के पास काउंटर बने हुए हैं। अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, नया पर्ची नहीं बनवाया है, तो आप उस काउंटर पे जाके भी, हर विभाग के अपने अपने काउंटर हैं इंडिविजुअल, वहाँ पे भी आप नया पर्ची बनवा सकते हैं 50 रुपये देकर, और पर्ची बनवा कर रजिस्ट्रेशन करा के आप उस विभाग में दिखा सकते हैं। रही बात ब्लड जांच की, तो ओपीडी के ठीक बगल में, ओपीडी की जो बिल्डिंग है, बाह्य रोगी विभाग जो है ओपीडी, उसके ठीक बिल्डिंग के बगल वाली जो बिल्डिंग है, वहीं पर आपको ब्लड जांच, सिटी स्कैन जो भी होता है, सब वहां पे आपको मिल जाएंगे। उसके लिए भी प्रोसेस है, अगर आपको ब्लड जांच कराना है तो इतनी आसानी से नहीं हो सकता है, उसके लिए भी प्रोसेस है। क्या है, पहले जो डॉक्टर आपको स्लिप दे रहे हैं कि ये जांच करानी है, उसको पहले बिलिंग काउंटर पे जाके बिलिंग करानी है। बिलिंग कराने के बाद आपको जो रिसिप्ट मिलेगा, उस रिसिप्ट को ले जाना है ब्लड बैंक यानी कि ब्लड डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे जाकर पहले वेरीफाई कराना है। जैसे ही आप जाइएगा रूम नंबर 110, जैसे ही आप जाएंगे, उसके बाईं ओर एक काउंटर है, वहाँ पे वेरीफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स की। वेरीफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के बाद आपके दाहिने साइड वहाँ पे आपको टोकन दिए जाएंगे। टोकन बहुत इंपॉर्टेंट है, टोकन के बिना आपके ब्लड जाँच नहीं हो सकते हैं। तो टोकन लेने के बाद फिर आप सिर्फ मरीज को ही अलाउ है उस ब्लड डिपार्टमेंट में जाने के अंदर के, फिर वहाँ पे मात्र 5 मिनट का समय लगता है। टोकन लेने के बाद वो आपके ब्लड सैंपल्स लेते हैं, और जो भी आपके रिपोर्ट्स, जो भी जांच करानी है, वो प्रोसेस होती है। उसके बाद अगर आपको रिपोर्ट चाहिए, तो किसी भी मरीज का जो रिपोर्ट है वो आपको शाम तक मिल जाती है। आप चाहे तो एक दिन में भी अपनी रिपोर्ट ले सकते हैं, अगर आपने सुबह जाँच दी है तो शाम तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। आपको बता दें यहाँ की टाइमिंग क्या है, जितने भी डॉक्टर की बैठने की टाइमिंग है या काउंटर खुलने की टाइमिंग है, वो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक है। फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, सुबह 9 से शाम 5 बजे, ठीक है। और जो भी पुराने पर्ची वाले हैं या जिनको रिपोर्ट दिखानी है या पुराने पुर्जे वाले लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि आपको अगर दिखाना है तो सबसे पहले काउंटर पर जाकर सुबह 10 बजे काउंटर पर जाकर आप नंबर लगा दीजिए, और उसके बाद जो भी पर्ची पुरानी है, रिपोर्ट है, वो सारा 3 बजे के बाद ही डॉक्टर देखते हैं। नए पर्ची, न्यू रजिस्ट्रेशन, उनकी जाँच सबसे पहले होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो भी पुराने पर्ची वाले लोग हैं वो 3 बजे के बाद ही जाकर लाइन लगाएं, अदरवाइज आपका पूरा दिन का समय बर्बाद हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे भीड़ काफ़ी रहती है, आपको पेशेंस रखने होंगे, धैर्य रखने होंगे। रहा बात किसी भी डिपार्टमेंट में, आपको पूरे दिन का समय लग ही जाता है जाँच कराने।